हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो एक जनरल रूल जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये चीज़ कही जाती है कि कोई भी गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैं तो उनके केस में जो भी गवर्नर हैं ही और शी विल एक्ट एज अ चांसलर ऑफ दोज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये चीज़ एक जनरल रूल है, बट जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है इसके कॉन्फ्लिक्ट में कोई चीज़ उन्होंने वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास की है वो जान लेते हैं। एंड लेट स्टार्ट कि यूजीसी का इसमें क्या मानना है एंड जुडिशरी का इसमें क्या मानना है। सो 13 जून को पास किया वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक अमेंडमेंट बिल इन रिगार्ड्स टू वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, ठीक है। एंड इस बिल के अकॉर्डिंगली जो गवर्नर हैं जगदीप धनकर, उनकी जो ये चांसलर की पावर्स हैं इन रिगार्ड्स टू द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़, वो सीएम ममता बनर्जी को पास ऑन कर दी जाएंगी। यानी कि अब जो चांसलर की पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वेस्ट बंगाल, वो अब सीएम ममता बनर्जी को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, ऐसा ये बिल ले डाउन करता है। तो अब ये ऐसे तरह का जो बिल है पास करने वाली पहली स्टेट वेस्ट बंगाल नहीं है। सिमिलर जो सिचुएशन तेलंगाना एंड गुजरात में ऑलरेडी ऑनगोइंग है कि एक पैनल को बिठा दिया जाता है, एक कमिटी को बिठा दिया जाता है एंड वो चूज़ करते हैं नाम ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। गवर्नर की डिस्क्रिशन यहाँ पर एक्ट नहीं करती तेलंगाना एंड गुजरात केस में। तो जो कमेटी नाम देगी उन्हें वाइस चांसलर बना दिया जाता है बाय गवर्नर हिमसेल्फ, यानी कि सिर्फ अपॉइंटिंग पावर उनको दे दी गई है बट ही हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर इन केस ऑफ तेलंगाना एंड गुजरात। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा एंड केरला में भी स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे हैव ऑल्सो टेकन स्टेप्स कि ये जो गवर्नर की पावर है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन रिगार्ड्स टू स्टेट की जो रन यूनिवर्सिटीज़ है ये उनसे वापस ले ली जाए। तो केरला का केस जुडिशरी तक भी गया, इन द एंड जानेंगे कि क्या कहा उस टाइम पे जुडिशरी ने। तो अब पावर क्या रहती है गवर्नर ऑफ अ स्टेट के पास जब वो चांसलर की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि वो वीसी को अपने डिस्क्रिशन से अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कुछ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तीसरी चीज कि कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसीजन ले लेती है उनको एनल भी कर सकते हैं गवर्नर बींग द चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ कॉन्वोकेशन की यानी कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की पावर उनके पास रहती है। बट अगेन गुजरात एंड तेलंगाना एक एक्सेप्शन है जहां पे चांसलर के पास या गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास पर्टिकुलरली कोई पावर एसच नहीं दी गई है। बट अब वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बिल पास कर दिया है तो अब जो वहां के गवर्नर हैं धनकर उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है वो आगे हम देखते हैं। पहली चीज जो सबसे आयरोनिकल सिचुएशन सामने आ रही है यहाँ पे कि जो बिल है वो एक एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर उस पर असेंट देंगे। तो बहुत ही आयरोनिकल सिचुएशन है कि अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन या अपने पावर्स को कम करने के लिए डिसीजन क्यों देगा। दूसरी ऑप्शन उनके पास आ जाती है कि वो एक ऑर्डिनेंस को पिक्चर में ले आएँ जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पावर में ना हो, बट वो ऑर्डिनेंस जो एक टेम्प्रेरी लॉ होगा तो जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वापस नहीं आ जाती इन पिक्चर वो तभी तक ही वैलिड रहेगा, तो ये एक टेम्प्रेरी मेजर है। तीसरी चीज़ कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं असेंट टू द बिल, बट अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिना किसी अमेंडमेंट के इसी बिल को वापस पास कर देती है तो द गवर्नर इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट सामने रखी जा रही है कि गवर्नर इस बिल को अपने पास रिजर्व कर ले ताकि वो प्रेसिडेंट की असेंट ले सके इस बिल के ऊपर। तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है, वो अपने पास बिल को रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो इस सिचुएशन को हेल्प कर सकते हैं या इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल की। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। तो अब जो यूजीसी के नॉर्म्स है वो क्या ले डाउन करते हैं। यूजीसी ये कह रहा है कि एजुकेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंट्री 66 में कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बन जाती है, यानी कि बोथ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस। तो जो गवर्नर है एक जनरल रूल के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे एज अ चांसलर ऑफ द स्टेट और सेंटर ओन यूनिवर्सिटीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एज पर यूजीसी नॉर्म वो बाउंड है कि वो यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करे, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है वो रिजिस्ट कर सकती है इस सिचुएशन को। वेरस यूजीसी नॉर्म्स जो है वो बेसिकली एज पर क्वालिफिकेशन ले डाउन करती है, तो उस चीज को स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, बट एज पर सर्टन रूल्स वो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रिजिस्ट करती हैं। तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में यूजीसी या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे वाइस चांसलर को कैसे नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है वो देख लेते हैं कि जो गवर्नर है बेसिकली वो एक टिटलर हेड की तरह ही तो सर्व कर रहे हैं इन अ स्टेट। कैसे? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ही उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वही तो होते हैं गवर्नर इन अ पर्टिकुलर स्टेट।
स्टेट, तो जो गवर्नर है वो एक टिटलर हेड यानी कि एक टाइटल के हेड ही रह जाते हैं. तो जो प्रेसिडेंट हैं अगर उनके थ्रू ही गवर्नर को ये पावर मिल रही है कि वो एज अ चांसलर एक्ट कर सके, तो जो प्रेसिडेंट हैं उनके जिनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर इन अ स्टेट है तो वो एज अ विजिटर बन सकते हैं द यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी टाइम वो एज अ विजिटर भी जा सकते हैं. तो एज अ रिजल्ट जो वाइस चांसलर है उनको भी अपॉइंट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हाथ होता है. अगेन एक कमिटी बिठाई जाती है उसी के बेसिस पे, जो नाम हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कमिटी देती है उनको वाइस चांसलर घोषित कर दिया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बाय द गवर्नर हिमसेल्फ. और बींग अ प्रेजिडेंट बींग अ विजिटर उनके पास क्या राइट रहता है कि वो अकेडमिक या नॉन अकेडमिक इंस्पेक्शंस किसी भी टाइम पे हेल्ड करवा सकते हैं. तो अब जुडिशरी क्या कह रही है इस केस में, जुडिशरी में एक जो ये केरला का केस है उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था. एंड इस डिसीजन के लिए जस्टिसेस कौन थे, एम आर शाह एंड बी वी नागरत्न. उनके अकॉर्डिंगली कोर्ट ने क्या चीज़ ले डाउन की कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर वीसी के रिगार्डिंग रहती है जो कि यूजीसी के नॉर्म्स या प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो अगेन यूजीसी की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की अवहेलना मानी जाएगी. सो एज अ रिजल्ट क्या है ये, अगर एक रिट को पास कर दिया गया, क्यों वारंटों की रिट को पास कर दिया गया कि आप यूजीसी के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं. एंड साथ ही साथ उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रेपेंगेंसी जो कि आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ले डाउन किया गया है उनको कहते हुए जुडिशरी ने ये चीज ले डाउन की कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है विद रिगार्ड्स टू कॉन्करेंट लिस्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया गया लॉ होता है दैट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये केरला के केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केरला वाले केस की अगर आप कहे एज अ बेसलाइन लेकर चल रही है, बट जो ममता बनर्जी हैं वो ये कह रही हैं कि गुजरात में 2011 में जब ये चीज़ पास की जा सकती है जो कि इक्वली वैलिड है अगर, तो वेस्ट बंगाल बींग अ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया तो ये ही सेम चीज़ वैलिड होनी चाहिए फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल. सो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अभी ऑन गोइंग है, लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.